महाराष्ट्र के बुलढाणा में बस हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। बस हादसे की जांच होगी, ये फडणवीस की तरफ से बयान सामने आया। घटनास्थल पर जाएंगे सीएम और डिप्टी सीएम। बस में आग लगने से 26 लोगों की मौत हुई है। मृतकों के आश्रितों को 7-7 लाख रुपए की सहायता का ऐलान भी किया गया है। महाराष्ट्र के बुलढाणा में ये हादसा हुआ था। 25 लोग वहाँ पर जलकर उसमें उनका मृत्यु हुआ है। बहुत ही दुर्दैवी इस प्रकार की घटना है। 8 लोग निकल पाए, ड्राइवर भी निकल पाए, क्लीनर भी निकल पाए, इसलिए वो बचे। लेकिन जो लोग बस से नहीं निकल पाए ऐसे लोगों का मृत्यु हुआ है। मैं और माननीय मुख्यमंत्री जी अभी वहाँ पर घटनास्थल पर जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने जिनका मृत्यु हुआ है उनके परिवार को 25 लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की है। जख्मियों का उपचार जो है वो भी सरकार की ओर से किया जाएगा। एक बहुत ही भयंकर इस प्रकार की यह घटना है। इसकी जांच भी हम लोग कर रहे हैं, इसके कारणों की जांच भी कर रहे हैं।